क्विक लर्न में आपका स्वागत है। 14 फरवरी के दिन मुगल काल के महान शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर के पिता हुमायूं की असामयिक मृत्यु होने पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर किले में उनके संरक्षक बैरम खान ने उनका राज्याभिषेक कर दिया था। उस समय अकबर की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। बैरम खान 1556 से 1560 तक अकबर के संरक्षक रहे। अपने शासनकाल के दौरान अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था और इसके अलावा सर्वधर्म संभाव स्थापित करने के लिए दीने इलाही नामक नए धर्म की स्थापना भी की थी। लगभग 49 साल के शासनकाल के दौरान अकबर ने बहुत सारी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। अकबर की सभा को विभिन्न विधाओं में परंपरागत 9 व्यक्ति सुशोभित करते थे जिन्हें नवरत्न की संज्ञा दी जाती थी। ये नवरत्न थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा तोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम, हुक्काम और मुल्ला दो प्याजा।